सॉरी, एक भसूड़ी पड़ गई फिर से टैक्स। अभी तक एक भी बंदा मुझे मोटा नहीं दिखा। What's your name? My name is Sarah. आज आपको सैर कराते हैं वियतनाम की, लेकिन टुकटुक के ऊपर। भाई बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, मजा आ रहा है रिक्शे पे भाई घूम के यहाँ वाले। तो ये अब आ गए हम बियर स्ट्रीट के अंदर, जो बहुत ही पॉपुलर है अपनी नाइट लाइफ के लिए। क्लब्स वगैरह सारे ओपन है। हाँ जी, कितना सारे वेलकम बैक। तो ये एक और नया व्लॉग लगे। तो जी हम खड़े हैं हो ची मिन के अंदर और आज अपनी फ्लाइट भी है। तो मैंने एक्चुअली क्या रूम चेकआउट कर दिया और बैग नीचे ही रख दिया था, बाहर आ गया था कॉफ़ी पीने के लिए। तो जो अपनी फ्लाइट एक्चुअली 6 बजे की है तो अपने पास काफ़ी टाइम बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलते हैं बाहर कुछ एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। तो इसलिए मैं बाहर आ गया था, यहाँ पर कॉफ़ी ली है अपनी और साथ में यहाँ पर ऑर्डर किया था मैंने ऑमलेट और इन्होंने मुझे दे दिया क्या बोलते हैं उसको, हॉट डॉग स्टाइल। एक्चुअली क्या है यहाँ पे ये वाला स्टाइल चलता है, मैंने नॉर्मल ऑमलेट ऑर्डर किया था लेकिन उन्होंने इसी में लगा के दे दिया। तो कोई बात नहीं, अपना ब्रेकफास्ट यहाँ से इंजॉय करके निकलते हैं आगे की तरफ और फिर चलेंगे एयरपोर्ट। तो भाई उसके बाद आ गए हम सेंट्रल मार्केट के अंदर, यहाँ पे भी काफ़ी सारा स्टफ़ मिल जाएगा आपको शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी स्टफ़ अच्छा है। मैंने चेक की है यहाँ पे क्वालिटी ना बहुत अच्छी है, अच्छे मॉडल हैं यहाँ पे। और ये टी शर्ट है 50 डोंग की है, 50 डोंग अप्रोक्सीमेटली मेरे क्या $2.5 बनते हैं, ठीक है प्राइस। और आप बार्गेनिंग तो कर ही सकते हो, आपको हर ब्रांड की टी शर्ट मतलब सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। जो कल मॉल दिखाया था मैंने उसके अंदर भी सारी चीज़ें अवेलेबल थी अच्छी क्वालिटी के अंदर, और यहाँ पे भी है। तो ये आंटी मान नहीं रही, $15 मांग रही है, मैंने उनको $10 बोल दिए थे, लेकिन टी शर्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक्चुअली अगर आप वियतनाम आ रहे हैं तो आप यहाँ से टी शर्ट वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी है बहुत अच्छी यूज़ होती है। तो मेरे को पसंद आ गई थी कॉलर टी शर्ट, लेकिन आंटी नहीं मानी, मैंने कोई बात नहीं, हम दूसरी सिटी में चलेंगे वहाँ से ले लेंगे, वहाँ पर भी शॉपिंग कर लेंगे कुछ। और अब निकलते हैं, अपना बैग वैग उठाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। फाइनली मिल गई है टैक्सी $10 में, भैया मान गए $12 मांग रहे थे, तो $10 में डन हो गया, चल रहे हैं एयरपोर्ट। वैसे तो फ्लाइट मेरी 6 बजे की है लेकिन टाइम हो ही गया था क्योंकि 2:30 बज गए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से 45 मिनट दिखा रहा था, मैं कहा थोड़ा जल्दी पहुँच जाते। और ये डोमेस्टिक फ्लाइट है, इंटरनेशनल नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कूल हूँ कि कोई बात नहीं आराम से पहुँच जाएंगे। अगर इंटरनेशनल होता तो 3 घंटे पहले कम से कम आपको एयरपोर्ट पहुँचना चाहिए, तभी ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम लग जाएगा पता नहीं लगता। तो जी एक भसूड़ी पड़ गई फिर से, टैक्सी वाले ने उतार दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जबकि मुझे जाना था डोमेस्टिक एयरपोर्ट। भाई टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है, देखो फ्लाइट पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो जी फाइनली अपना बोर्डिंग हो गया। एक्चुअली क्या फ्लाइट 30 मिनट डिले थी, जैसे ही मैं बोर्डिंग काउंटर पर पहुँचा वहाँ पता लगा भाई फ्लाइट डिले है, नहीं तो आज पक्का फ्लाइट छूट जाती है और उसके बाद पता नहीं फिर कौन सी फ्लाइट करानी पड़ती। लेकिन बोर्डिंग अपना हो गया और सिक्योरिटी चेक भी हो गया, मैं अंदर आ चुका हूँ, अपना गेट है 27 नंबर, तो वेट कर रहे हैं। और हनोई आप पहुँचेंगे 8 बजे, क्योंकि यहाँ से फ्लाइट का जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे 10 मिनट का है। ओ भाई साहब मज़ा आ गया, भाई साहब हाथ पैर और कमर अमेजिंग है भाई। ये मसाज वाली चेयर भी ना होनी चाहिए वैसे, जब आपको थकावट महसूस हो तो यार ऐसी मसाज मिल जाए अल्टीमेट। भाई साहब सबसे घटिया एक्सपीरियंस इस फ्लाइट के साथ, वेटजेट के साथ पहले भी ऐसी हुआ है, हमेशा कभी कैंसिल कभी कुछ, आज फिर डिले है। इस फ्लाइट का टाइम था 6 बजे का और 7:45 दिखा रही है फ्लाइट, अभी भी गेट खोला नहीं है, 7:33 हो चुके हैं। सबसे बेकार फ्लाइट है भाई ये। Until 8th floor, so you need to walk. Oh my god! Walk one floor. What's your name? My name is Sarah. Sarah. Yeah. Oh, nice name. Thank you. Actually, रात को मैं पहुंच गया था यहाँ पे, मैंने चेकिंग कर लिया था, लेकिन रात को लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैं इसे रूम टूर नहीं दिखा सका आपको। वैसे मैंने होटल ये बुक किया था यहाँ पे, कीपैड होटल करके है, मैंने ये बुक किया था
क्योंकि इसके रिव्यू अच्छे आ रहे थे और ये सिटी के अंदर है और सारे के सारे जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, आपने अगर मार्केट जाना है या लेक जाना है, सारे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, चर्च भी वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मैंने इसलिए यही बुक किया था। तो अभी जस्ट रूम से निकले हैं क्योंकि मैंने पैकेज भी बुक कराना था एक हालोंग बे का, वो भी बुक करा दिया है। तो निकलते हैं यहाँ से, आज एक्सप्लोर करते हैं आपके साथ हनोई। और यहाँ पे मिल रहा है ड्रैगन फ्रूट, सेम बैंकॉक वाली लीची भी मिल रही है यहाँ पे। अमेजिंग सिटी है यार यहाँ पे, एक्चुअली क्या वेदर बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है, मजेदार वाला वेदर है। अमेजिंग टुक टुक रिक्शा है, एक्चुअली में इसको रिक्शा ही बोलेंगे, साइकिल वाला जैसे अपने दिल्ली में चलता है, इंडिया में रिक्शा। अमेजिंग है भाई ये, यहाँ पे भी चलता है तो इस पर भी राइड करेंगे। और यहाँ पे लोकल मार्केट है सारी, जस्ट होटल से क्रॉस किया है मैंने और मैं चर्च की तरफ जा रहा हूँ पहले, तो सारी रास्ते में लोकल मार्केट है। और ये लोकल मार्केट यहाँ की ऐसे लग रही है जैसे अब आज़ाद मार्केट में आ गए हूँ। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि मुझे अभी तक एक भी बंदा मुझे मोटा नहीं दिखा। एक्चुअली मैंने पढ़ा था कि वियतनाम के अंदर ज़्यादा लोग मोटे नहीं दिखेंगे, आपको पतले ही दिखेंगे, और वाकई में भाई अभी तक मुझे कोई मोटा नहीं दिखा। मैं कोई मोटा बंदा ढूंढ रहा हूँ कि कोई मिले वियतनामी, सारे स्लिम ड्रीम है। और हर स्ट्रीट के कोने पे आपको मिल ही जाएगा जो इनका वो हॉट डॉग है उसके अंदर चिकन का ऑप्शन है। और ये यहाँ का सेंट जोसेफ चर्च है, बहुत ही अमेजिंग है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं था होटल से, मेरे ख्याल से 900 मीटर ही था। अमेजिंग है भाई। तो ये मैंने दो आइटम ऑर्डर कर दिया कि ये नंबर 6 और एक ये रोल है नंबर 10। ये थाई में भी मिलते हैं, ये है 8,000 डोंग के और ये है 24,000 डोंग के, 4 पीस। तो मगर ट्राई करते हैं वियतनामी, जब आए तो वियतनामी तो खाना बनता है भाई। दो आइटम के साथ इतने सारे पत्ते हो भाई, ये है इनका राज पतले रहने का, स्लिम रहने का। एक्चुअली क्या, अगर आप पत्ते वगैरह ये चीज़ें खाते हो ना तो आपका वज़न वैसे भी नहीं बढ़ता और आप स्लिम रहते हो। ऐसी थाई में भी है, थाई में भी आप जितना भी थाई फूड खाते हो उसमें भी यही पत्ते वगैरह जा डालते हैं अल्टीमेट। तो भाई एक्चुअली बियर स्ट्रीट यहाँ पे पास में ही है, मैं पैदल भी जा सकता था लेकिन मेरे को राइड करनी थी, मैंने कहा यार इस पे भी चल के देखते हैं। तो 50 बोल रहे हैं जो डोंग जो मतलब वियतनामी है। आज आपको सैर कराते हैं वियतनाम की लेके टुक टुक के ऊपर। और यहाँ सारा का सारा ना हैंडक्राफ्ट मिलेगा आपको बियर स्ट्रीट के आसपास, क्योंकि बियर स्ट्रीट आई थिंक मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गई है यहाँ से। भाई बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है रिक्शे पे भाई घूम के यहाँ वाले। और यहाँ पे फ्रेगनेंस आ रही है वियतनामी कॉफ़ी की, और वियतनामी कॉफ़ी भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत अच्छी होती है फ्रेगनेंस इसकी, वो भी ट्राई करेंगे अभी। तो ये अब आ गए हम बियर स्ट्रीट के अंदर जो बहुत ही पॉपुलर है अपनी नाइट लाइफ के लिए, लेकिन इस टाइम हम दिन के टाइम आए हैं, रात के टाइम भी आएंगे यहाँ पे। एक्चुअली ये 7 बजे ओपन होती है और मिडनाइट तक चलती है, लेकिन म्यूज़िक वगैरह अभी भी चल रहा है, आप फूड वगैरह इंजॉय कर सकते हो, क्लब्स वगैरह सारे ओपन है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, हैवी फन, हेलो हेलो, थैंक यू। तो रेस्टोरेंट वगैरह अभी दिन में खुले हुए हैं, आप बैठ के फूड वगैरह इंजॉय कर सकते हो, लेकिन आप रात में भी आएंगे यहाँ पे तब आपको रात का ब्लॉग भी दिखाऊंगा मैं, क्योंकि रात की जो नाइट लाइफ है यहाँ की बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है भाई, केले बेच रही है और साथ में बार्गेनिंग हो रही है, वियतनामी लेडी कर रही है। मतलब हर चीज़ में यहाँ बार्गेनिंग चलती है, फुल दिल्ली वाला स्टाइल है भाई, कोई भी चीज़ पूरे रेट पर नहीं लेनी, उसमें बार्गेनिंग करानी करानी है, क्योंकि इनका रेट वैसे ही अप ही होता है 50%, 60%। तो ये आम ले लिया, यहाँ पे आम मिल रहा था कच्चे वाला और ये 50,000 डोंग बोल रहे थे, लेकिन आम दिख गया, मैंने कहा आम लेते हैं। और साथ में सेम वही शुगर और जो मिर्ची का होता ना मिक्सर थाईलैंड वाला वो है, और वो वेट करके दे रही है, तो मिक्स कर दिया सारा कुछ, अंदर ही डाल दिया उसके चीनी और मिर्चों वाले, अब ये बन गए अमेजिंग वाले मैंगो।
बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, सेम ही है। और साथ में सारी शुरू हो गई है ओल्ड क्वार्टर मार्केट, यहीं पे सारी मसाज पार्लर स्पा वगैरह जो भी आपने कराना, और कॉफ़ी भी है यहाँ पे। कैफ़े आपको मतलब हर जगह ही मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे थाईलैंड में पॉपुलर है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोने पे कैफ़े है भाई एक। और ये है मेन ओल्ड क्वार्टर, राइट लेफ्ट आप किस तरह मर्जी जा सकते हैं, सारी तरफ आप शॉपिंग कर सकते हैं जाके चारों तरफ। तो आप चलते हैं सीधा उस तरफ, कुछ ज़्यादा ही हैपनिंग लग रही है, देखते हैं कुछ मिलता है तो कुछ खरीदते हैं। बैंकॉक, तो यहाँ पे एक और कैफ़े जिसकी थीम अमेजिंग वाली है, अंदर बैठ के आप फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं, बाहर से भी मतलब गेट वेट बहुत अमेजिंग बनाए हुए हैं, बहुत से इंस्टाग्रामर लगे हुए थे यहाँ पे फोटो में खिंचवाने हुए। एक्चुअली ये जो स्ट्रीट है ये स्ट्रीट हो गई, और पीछे वाली जो स्ट्रीट है ये दोनों फेमस है, और यहाँ पे भी फोटो सेशन चल रहा है बच्चे के साथ। हेलो, हेलो, और भाई वाकई में अमेजिंग लोग हैं भाई यहाँ के। और मैंने अभी तक नोटिस किया कि मैंने अभी तक कोई मोटा बंदा अभी तक नहीं देखा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बस ये रिक्शे वाले पीछे नहीं हटते भाई, टुक टुक वाले। ओहो क्या लोकेशन है यार, अमेजिंग लोकेशन भाई साहब, कैफे बना हुआ है ऊपर पूरा वाइट, लोकेशंस बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो भाई साहब आपका अच्छा टाइम निकल जाएगा घूमने के, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। एक्चुअली पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक्सप्लोर करने को कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन भाई साहब यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, अमेजिंग जगह लगी मुझे। थोड़ी देर पहले तक बोरिंग लग रही थी कल तक, लेकिन आज जब मैं सुबह से निकला उसके बाद मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई है, हो ची मिन्ह सिटी से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यही राइट पे मार्केट शुरू होती है, अगर आपने ब्रांडेड कुछ भी मतलब कॉपी वगैरह खरीदना है या लोकल खरीदना है वो सब कुछ यहाँ से खरीद सकते हैं। हाउ मच दिस, यू राइट हियर 15 2:30। तो यहाँ पे स्टिक वगैरह बिक रही थी, एक्चुअली चिकन नहीं है ये, इसके इनके पास लैम्प और फोक है, मैं उसका टेस्ट ट्राई करके देखते हैं, अगर शेफ भाई साहब लगे हुए थे तो टेस्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि तो वियतनाम आया स्ट्रीट फूड नहीं खाया तो फिर क्या खाया। हेलो और यहाँ पे आके टुक टुक पे नहीं घूमे तो फिर क्या घूमे, अच्छी कंट्री है, मज़ा आ रहा है, अब दिल लग रहा है वियतनाम में। अमेजिंग है भाई, मसाला डाला हुआ है ऊपर बढ़िया वाला। पहले इंडियन खाने का दिल कर रहा था, फिर मैं कहा नहीं वियतनाम आया तो वियतनामी फूड खाते हैं, वियतनामी ट्राई करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे स्ट्रीट फूड कितना बढ़िया है इनका, खाने लायक है भी कि नहीं, लेकिन भाई अमेजिंग फूड भी खा के देख लिया और इनका ये स्ट्रीट फूड भी खा के देख लिया, अमेजिंग है। और आप पहुँच चुके हैं लेक, यहाँ पे मेरे पीछे राइट में देख रहे हैं आप लेक है, ऊपर चलते हैं, एक्चुअली कैफ़े है बड़ा अमेजिंग वाला, वहाँ से व्यू आ रहा है, ऊपर चल के कुछ ऑर्डर करते हैं तो वहाँ से शॉट लेके दिखाता हूँ आपको। वैसे तो मेरे पीछे भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है व्यू, लेकिन दोनों तरफ है बिल्डिंग। और यहाँ पे पूरा का पूरा मैप दे रखा है, अगर आपको ना समझ आए कि आपने कहाँ जाना है कहाँ घूमना है तो भाई इसको देख सकते हो, यहाँ पे पूरा इन्होंने दिखा रखा है, जो जितने भी म्यूज़ियम है यहाँ पे और जितने भी हो ची मिन्ह के जैसे मतलब जितनी भी बनी हुई है यहाँ पे जगह, आप सारी जगह यहीं से एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पे बस चलती है, वो बस की टिकट ले लो आपको सारी जगह घुमा के ले आएगी। और अगर ब्लॉग करते करते थोड़ा सा थकावट महसूस हो तो यहाँ पे ऊपर आके टी इंजॉय कर सकते हैं, अल्टीमेट है, और यहाँ से व्यू इंजॉय कर सकते हैं। तो ये अब चलते हैं हनोई की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन वो मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बोलना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।